आप लोग, उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं आपके साथ एक हेयर सीरम शेयर करने वाली हूँ जो कि आपके हेयर्स की बहुत सारी प्रॉब्लम को रिमूव कर देगा। आपके स्कैल्प में इचिंग होगी उसको खत्म करेगा, आपका छोटा मोटा डैंड्रफ होगा उसको भी हटा देगा और आपके बालों को सिल्की एंड शाइनी बनाएगा। तो मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से कहना चाहती हूँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें, जिससे कि मेरी आने वाली न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे और मेरी वीडियो आसानी से देख सकें। तो हमें आप लोगों को बता देती हूँ उस सीरम को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा। हमें चाहिए विटामिन ई ऑयल, हमें चाहिए स्वीट आलमंड ऑयल और हमें चाहिए लेमन जूस और हमें चाहिए हनी। इतने इंग्रेडिएंट्स में हम बनाएंगे अपना हेयर सीरम। मुझे भी फंक्शंस अटेंड करने हैं कुछ, और वैसे तो मेरे हेयर ठीक हो रहे हैं, हल्का सा इचीनेस हो रही है, थोड़ा सा मेरे को लग रहा है मेरे हेयर्स में हल्का फुल्का सा डैंड्रफ है और मुझे शाइन चाहिए, अच्छा सिल्की बनाना है अपने हेयर्स को, तो मैं ये सीरम अपने लिए बना रही हूँ। मैंने सोचा अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करती हूँ। तो आइए चलती है, स्टार्ट करते हैं अपना सीरम बनाना। मैंने ले लिया है एक बाउल, छोटा सा बाउल। अब मैं इसमें लेमन जूस ऐड करने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स, मैंने अपने बाउल में अपना लेमन जूस ऐड कर लिया है। ये मैंने अपने हेयर्स के अकॉर्डिंग इसमें लेमन जूस मतलब वो ऐड किया है। आप देख रहे होगे इसमें ज़्यादा सा है, ये आप अपने हेयर्स के अकॉर्डिंग कर सकते हो। मेरे को ना अपना थोड़ा एंड्स पर भी इसको अप्लाई करना है क्योंकि मुझे एंड्स की अपने मतलब बालों को सिल्की करना है, स्मूथ करना है, शाइनिंग करना है, इसलिए मैं इसे थोड़ा सा ज़्यादा बना रही हूँ। बट ये आपके स्कैल्प के लिए भी बहुत अच्छा है। आप पहले अपने स्कैल्प पर अप्लाई करेंगे, उसके बाद रूट्स पर। अब मैं इसमें ऐड करूँगी विटामिन ई ऑयल। सो फ्रेंड्स, हमें एक कैप्सूल लेना है इसका ऑयल, इसमें ऐड करना है। आप मतलब कितना भी ज़्यादा बना रहे हो, कितना भी कम बना रहे हो, बट आपको इसमें विटामिन ई ऑयल सिर्फ एक कैप्सूल ही ऐड करना है, इसे ज़्यादा नहीं ऐड करना है। तो मैं इसको निकाल लेती हूँ और अपने बाउल में ऐड करती हूँ। देन हमें इसको पिंच कर लेती हूँ, पिंच कर लेना है। उसके बाद इसका ऑयल जो है मैं अपने बाउल में इस ऑयल को ऐड करूँगी। ये देखिए थोड़ा ठंडा हो रहा है ना वेदर, इसलिए ये जल्दी से नहीं निकल रहा है। ये देखिए मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ अपना विटामिन ई ऑयल। आप ये ध्यान रखना है, आपको कितना भी सीरम आप बना रहे हो अपने लिए अपने हेयर्स के अकॉर्डिंग, बट आपको इसमें विटामिन ई ऑयल सिर्फ एक ही कैप्सूल ऐड करना। देन मैं इसमें ऐड करूँगी ये बादाम ऑयल, स्वीट बादाम ऑयल है ये, मैंने लिया है ये बादाम रोगन शीरीन ऑयल। मैं इसको ऐड करूँगी, इसमें थोड़ा सा ही ऐड करना है, हाफ टेबल स्पून के अकॉर्डिंग, ज़्यादा ऐड नहीं करना है। फ्रेंड्स, मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने इसमें बादाम ऑयल ऐड कर लिया, आप देख सकते हो। अब मैं इसमें ऐड करूँगी हनी। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैं इस मटकी में अपना हनी स्टोर कर रखती हूँ। अब मैं इसमें अपना हनी ऐड करने वाली हूँ, अपने सिरम में हनी ऐड करूँगी। हमारे बालों में शाइन लाएगा, हमारे बालों को स्मूथ बनाएगा, तो मैं इसमें थोड़ा हनी ऐड कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने इसमें इतना हनी ऐड कर लिया है, ये देखें मैंने इसमें हनी ऐड कर लिया है। सो फ्रेंड्स, मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करूँगी अपने स्कैल्प के अकॉर्डिंग। मेरे स्कैल्प में थोड़ी सी इचिंग हो रही है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कुछ हो रखा है, इसलिए मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ 2 ड्रॉप्स ये टी ट्री ऑयल वाला सीरम जो मैंने बनाया था, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूँगी ताकि मेरे स्कैल्प में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है वो ठीक हो जाए। टी ट्री ऑयल एंटीसेप्टिक का भी काम करता है, तो मैं इसमें ऐड कर लूँगी ताकि मेरे हेयर्स को भी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाए। मैं क्या बोल रही हूँ, ये ओ ओ हाँ, मेरी हेयर्स की प्रॉब्लम भी दूर हो जाए और मेरा स्कैल्प भी क्लीन हो जाए, तो मैं इसमें थोड़ा सा ये ऐड करूँगी। सो फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा नहीं, इसमें 2 ड्रॉप्स ये ऐड करूँगी अपना, 1 एंड 2, ज़्यादा नहीं ऐड करना। अब मैं अपनी फिंगर की हेल्प से ही इसको मैश कर लूँगी, मतलब इसको सारी चीज़ों को मिक्स कर लूँगी, क्योंकि अगर मैं इसमें स्पून यूज़ करूँगी तो मेरा जो भी ऑयल है ना इसमें वो सारा स्पून पर लग जाएगा और इसमें अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा। तो मैं इसको अपनी फिंगर से ही इसमें सारा कुछ अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, अच्छे से मिला लूँगी सब कुछ, सारा ये मेरा सीरम बनकर रेडी हो जाए। ताकि मिलती हूँ आपसे इसका सीरम बनाने के बाद, इसको अच्छे से मिलाने के बाद मिलती हूँ मैं आपसे। सो गाइज, आप देख सकते हो मेरा सीरम बनकर रेडी हो गया है। अब हमें इसको अप्लाई कैसे करना है, हमें अपनी फिंगर की हेल्प से अपने स्कैल्प पर इसको अप्लाई करना है। पहले हमें अपने सारे स्कैल्प पर इसको अप्लाई कर लेना है, ये बहुत अच्छे से आपके स्कैल्प पर लग जाएगा, लाइक वाटर टाइप ही है थोड़ा ये, तो बहुत अच्छे से आपके स्कैल्प पर लग जाएगा। उसके बाद आपको इसको अपने एंड्स पर लगा लेना है। आप देखोगे इसको अप्लाई करने के बाद, आप इसको 30 मिनट्स रख लो, आपके पास ज़्यादा टाइम है तो ज़्यादा टाइम तक रख लो इसको, आप इसको 20 मिनट्स भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इतना इसको लगाने के लिए। आप वीक में 2 डेज
डेज इसको यूज कर लोगे ना तो आपकी हेयर की सारी प्रॉब्लम हो जाएंगी। जिनको थोड़ा बहुत भी डैंड्रफ है, स्कैल्प इची है, तो वो डैंड्रफ भी ये क्लीन कर देगा और आपके बालों को सबसे ज्यादा मतलब शाइनी बनाएगा, सिल्की बनाएगा और बहुत स्मूथ कर देगा। ये बहुत ज्यादा ही बेस्ट और विंटर के लिए बहुत अच्छा सीरम है। हमारे बाल थोड़े से बेजान रूखे से हो जाते हैं ना, ये सारे प्रॉब्लम्स को दूर कर देगा। तो मेरे हेयर में इतनी ज़्यादा डैंड्रफ नहीं है तो मैं इसको वीक में एक बार ही लगाऊंगी। अगर आप कहीं जा रहे हो पार्टी अटेंड करने, आपको कोई फंक्शन अटेंड करना, आप चाहते हो हमारे बालों में बहुत अच्छी सी शाइन आए, तो आप इस सीरम को बनाइए और अपने हेयर पर। सो फ्रेंड्स, आप इसको एक बार बनाइए और अपने हेयर में अप्लाई करके रिजल्ट खुद ही देख लीजिए आपको कैसे रिजल्ट मिलते हैं। उसके बाद अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर जिन लोगों के हेयर में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है, बहुत ही ज़्यादा डैंड्रफ है, उसके लिए भी मेरे पास एक रेमेडी है। अगर जिन लोगों को डैंड्रफ है कुछ है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसके बाद मैं आपके लिए वो भी वीडियो लेकर आऊँगी। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, होप दिस हेल्प्स।